हेलो विद्यार्थियों, आज हम जिस चिंतक के ऊपर चर्चा करेंगे आज के सेशन में वो हैं मैकियावेली। तो मैकियावेली पर चर्चा करने से पूर्व हमें उन परिस्थितियों, उन घटनाक्रम और उस काल पर थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी जिस समय मैकियावेली का जन्म हुआ और जिसमें बड़े होकर उन्होंने अपना दर्शन प्रस्तुत किया। तो मैकियावेली ऐसे समय में पैदा हुए थे जब बौद्धिक पुनर्जागरण, धार्मिक पुनर्जागरण, ये आंदोलन समूचे यूरोप में चल रहे थे। जो पुनर्जागरण है वो ऐसे समय में हुआ जब मध्यकाल की समाप्ति हो रही थी और आधुनिक काल का प्रारंभ हो रहा था। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन था वो बौद्धिक परिवर्तन का समावेश ऐसे समय में हो चुका था। यदि हम साहित्यिक दृष्टि से देखें तो पुनर्जागरण का अर्थ है नूतन जन्म, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से ये एक आंदोलन था जो यूरोप के जीवन और उसकी विचारधारा में महान परिवर्तन लाने का कार्य कर रहा था। यह कोई राजनीतिक या धार्मिक आंदोलन नहीं था, यह मानव मस्तिष्क की एक अनोखी ऐसी जिज्ञासापूर्ण स्थिति थी जिसके फलस्वरूप जो मध्यकालीन जो अंधविश्वास था उसके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हुई और अधिकांशतः उन सभी बातों का बीजारोपण हो चला था जिनकी झलक हमें आधुनिक युग में दिखलाई देने लगी। तो जो बौद्धिक पुनर्जागरण है उसने लोगों के जीवन में एक नई चेतना, स्वतंत्रता के एक नए नवीन प्रेम और जीवन के जो नवीन मूल्य हैं उनके नए भाव जगा दिए थे और ईश्वर की अपेक्षा अब जो मनुष्य है वो मानव अध्ययन का अधिक महत्वपूर्ण विषय होता या बनता चला गया। तो मानव समस्याओं पर अधिक चिंतन होने लगा और मध्यकाल की जो परलोक प्रियता थी, यानी जो आस्था के जो बादल थे और जो अंधविश्वास जो माहौल था चर्च की सत्ता के प्रति, उन सब के प्रति विश्वास यहाँ धीरे धीरे घटने लग गया और चर्च के नियंत्रण के विरुद्ध जो धर्मनिरपेक्ष बुद्धि का जो विद्रोह था वो मुखरित होने लग गया। तो अब परलोक की अपेक्षा यह लोक अधिक प्यारा होता चला गया और जो मध्ययुगीन जो चर्चवाद था, बाइबिलवाद था और जो सामंतवाद था उसके विरोध में पुनरुत्थान अथवा जो बौद्धिक पुनर्जागरण था, तो इस युग में मानववाद और बौद्धिक स्वतंत्रवाद का मंत्र प्रचारित होता चला गया और एक ही मापदंड हो गया था कि मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। इस उक्ति में पुनः आस्था प्रकट की जाने लगी और ज्ञान और निर्माण के इसी उषा काल में महान मैकियावेली का जन्म हुआ जिसने विश्व को एक नई राजनीतिक सूझबूझ और दिशा प्रदान की थी। तो जो मैकियावेली हैं उनका जन्म इटली के जो फ्लोरेंस नगर है उसमें 1469 ईस्वी में हुआ था। इनके जो पिता थे वो वकील थे और तत्कालीन जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी उसमें उनका गहरा विश्वास था। तो वो चाहते थे कि उनका जो पुत्र है वो भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चले, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ रहीं या दुर्भाग्य रहा कि वो पर्याप्त शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। जैसे तैसे उन्होंने सरकारी पद प्राप्त करने का प्रयास किया और आगे चलकर 1490 में उन्हें एक साधारण प्रशासकीय पद प्राप्त भी हो गया। दौत कार्य से संबंधित ऐसे कई अवसर आए कि जो मैकियावेली थे उन्हें फ्रांस, रोम, बर्लिन के आदि राज दरबारों में जाना पड़ा और वहाँ से उन्होंने थोड़ा यश और जो धन है उसकी प्राप्ति होने लगी और यूरोप का अनेक बार उन्होंने दौरा किया। तो वो घटना जिससे कि जो मैकियावेली है उनके मन में एक युगांतरी परिवर्तन आया और अंत तक वो इसमें लगे रहे कि इस प्रकार का जो सपना वो देखते थे कि एक मजबूत अपने देश के प्रति कि इटली इस प्रकार से सक्षम हो और एकता से युक्त हो, इसमें उन्होंने अपना सारा समय लगा दिया था। तो 1509 में जो रेवेना की जो लड़ाई थी जो फ्रांस और स्पेन में हुई जिसमें जो फ्रांस की हार हुई और उसकी भीषण प्रतिक्रिया फ्लोरेंस में भी हुई, जो स्पेन के जो समर्थक थे वो फ्लोरेंस में सत्तारूढ़ हो गए और मैकियावेली और जो भी व्यक्ति थे उन सबको देश से निकाल दिया गया। तो उनका जीवन निर्वासित अवस्था में गरीबी तथा जंगली लोगों के मध्य अध्ययन करते व्यतीत हुआ। उनके खिलाफ राजद्रोह का अभियोग भी चलाया गया, दंड भी दिया गया। तो इस दृष्टि से बड़ा बुरा जीवन उसका इस समय गुजरा और अंत में उन्हें वेतन के नाम पर एक ऐसा काम मिला
जो कि फ्लोरेंस का इतिहास लिखने से संबंधित था, तो अपना शेष जीवन काल में क्या उन्होंने इस ही लेखन कार्य में व्यतीत कर दिया। और 1527 में एक नए इटली का स्वप्न लिए एक असाधारण व्यक्ति की भांति मैकियावेली का देहांत हो गया था। तो ये उनका जीवन परिचय है। यदि हम उनके अध्ययन पद्धति के बारे में पढ़ें तो मैकियावेली के पूर्व के जो मध्ययुगीन जो विचारक हैं उन सबकी अध्ययन पद्धति धर्म से प्रभावित थी और मैकियावेली ने इस प्रणाली को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने नीति न्याय और आदि के जो अमूर्त सिद्धांत थे उन पर आधारित निगमन तर्क पद्धति का परित्याग कर दिया और जिनके आधार पर कि जो मध्यकालीन राजनीतिक सिद्धांतों की रचना हुई थी। तो मैकियावेली ने पूरी तरह वैज्ञानिक तटस्थता की नीति अपनाते हुए अपनी समकालीन परिस्थितियों का बड़े ध्यान से अध्ययन करते हुए और अपने युग की जो भी समस्याएं थी और उनको समझकर अपने निष्कर्षों का प्रतिपादन उन्होंने किया। तो इस तरह से उन्होंने राजनीतिक पद्धति में अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय किया और अनुभूति प्रदान या ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया, यानी अपनी जो भी समकालीन जो परिस्थितियाँ थी और उनके आधार पर जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ उसके आधार पर उन्होंने अपनी जो चिंतन की जो पद्धति थी जो कि अनुभूति प्रदान और ऐतिहासिक पद्धति उसको अपनाया और उसी के आधार पर अपने समस्त जो चिंतन था उनको चिंतन और उस चिंतन पर आधारित जो भी उनके महान ग्रंथ थे उनकी रचना उन्होंने की थी। यदि अब हम उनकी रचनाओं के बारे में देखें तो जो डिस्कोर्सेज ऑन लिवी महत्वपूर्ण जो सबसे जो ग्रंथ रहा उनका वो द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार और द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। तो राजनीतिक समस्याओं के प्रति जो मैकियावेली का जो दृष्टिकोण था वो अनुभव प्रदान था और उसकी प्रति जो भावना थी वो ऐतिहासिक थी और इनमें जो मानव स्वभाव है वो उनका जो चित्रण था वो अपने चिंतन में वो सभी जगह उसका मूल आधार रहा जिसके आधार पर उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा था। तो ये उनकी अध्ययन पद्धति और उनकी रचनाएं थी। अब हम कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है ऐसा डनिंग ने कहा, क्यों वो अपने युग के शिशु हैं, को कौन वो ऐसी घटनाएं हैं जिन्हों को देखकर उन्होंने अपने चिंतन का विकास किया, अपने दर्शन को दिया और जिसके आधार पे वो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कहलाए। तो डनिंग ने कहा कि जो मैकियावेली हैं वो वास्तविक अर्थ में अपने युग का शिशु हैं क्योंकि उन्हें छोड़कर शायद ही कोई ऐसा दूसरा राजनीतिक विचारक हुआ हो जिसने अपना संपूर्ण लेखन कार्य समकालीन परिस्थितियों के आधार पर किया हो। उसने उन परिस्थितियों के दोषों को स्पष्ट किया और उनके समाधान भी सुझाए और जिसमें स्पष्ट रूप से इटली की तत्कालीन परिस्थितियों की झलक दिखाई देती है और ये सभी परिस्थितियाँ और जो अथवा जो तत्व थे उन्होंने मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन का मार्गदर्शन किया। तो उस दृष्टि से जो पहला है वो मुख्य है ज्ञान का पुनरुत्थान। तो मैकियावेली के समय दो शक्तियाँ साथ साथ कार्य कर रही थी, पहली शक्ति के ज्ञान का पुनरुत्थान और दूसरी धार्मिक सुधारों की। तो पुनरुत्थान मध्यकालीन यूरोप का आधुनिक यूरोप में बदलने वाला एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसका आरंभ इटली में हुआ और जो 15वीं शताब्दी में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था। पुनरुत्थान के फलस्वरूप ही मनुष्य और विश्व के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ। इसने लोगों के जीवन में एक नई चेतना, स्वतंत्रता के प्रति प्रेम, जीवन के उत्कृष्ट मूल्यों की भावना जगाने का प्रयास इन्होंने किया था। इन सही जो परिस्थितियाँ थीं और जो घटनाएँ थीं इन सबसे ही सीखकर मैकियावेली ने व्यवहारिकता पर बल देते हुए यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया और चर्च और धर्म की जड़ों पर कठोर प्रहार उन्होंने किया कि जो मानव है, उन्होंने कहा कि जो मानव है वो स्वयं ही अपने श्रेष्ठ जीवन का निर्माता है, इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो जो मैकियावेली है उनका जो फ्लोरेंस है उस समय पुनरुत्थान का प्रधान नगर था और इटली की संस्कृति का माना हुआ केंद्र भी था। तो ये ज्ञान का जो पुनरुत्थान है जिसे रेनेसांस कहा जाता है, पुनर्जागरण, उसी के आधार पे उसमें जो परिस्थितियाँ थी उसमें जो भी घटनाएं जो घटी उनके आधार पे और यथार्थवादी विश्लेषण के आधार पे मैकियावेली ने राजनीति को धार्मिकता, नैतिकता और आचार शास्त्र से पूर्ण पृथक रखा।
और मैकियावेली के इस विचार में भी पुनरुत्थान युग बोलता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। उसे अपने जीवन तथा धन की सुरक्षा के लिए राजकीय जो संरक्षण है उसे प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट घोषित किया कि जो राजनीति है वो दैवी शक्ति प्राप्त व्यक्तियों का क्षेत्र नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति इसमें प्रवेश कर सकता है। तो इस दृष्टि से मैकियावेली का जो चिंतन है उसमें पुनरुत्थान या पुनर्जागरण की विशेषताएँ समाहित है। अगला, राजतंत्र की पुनर्स्थापना। मैकियावेली का जब इस क्षेत्र में आगमन हुआ तो उस समय परिषद आंदोलन समाप्त हो चुका था। जो शक्तिशाली जो शासक थे उन्होंने सामंतों और उनकी प्रतिनिधि सभाओं का दमन कर एक निरंकुश राजतंत्र स्थापित कर लिया था, और जो आर्थिक परिवर्तन थे उन्होंने सीमित राजतंत्र के मध्यकालीन विचार को समाप्त कर निरंकुशवाद के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया था। यह वह युग भी था जहाँ राज और चर्च दोनों में वीर पुरुषों की निरंकुश सत्ता का युग था, जिसने मैकियावेली की जो उनकी रचना थी प्रिंस वो इनसे बड़ी प्रभावित हुई, जिसमें कि मैकियावेली ने निरंकुश तथा शक्तिशाली राजतंत्र का समर्थन किया था। क्योंकि जो मैकियावेली थे वो एक ऐसे देश से संबंधित रखते थे जो कि 5 भागों में बटा हुआ था, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इटली के राजनीतिक विभाजन के रूप में जो छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए थे, नेपल्स, मिलान, रोमन, वेनिस, फ्लोरेंस, तो ये 5 राज्य आपस में ही संघर्ष रहते थे। और इन सब का फायदा उठाकर जो भी पड़ोसी राज्य थे, खास करके फ्रांस और स्पेन, सदैव इन पर लगी रहती थी और मौका मिलते ही इन्हें इन पर युद्ध करके, इन पर आक्रमण करके इनको जीत लिया करते थे। क्योंकि ये 5 राज्य अपने आपसी झगड़ों में ही संलिप्त रहा करते थे, जिससे कि बाहरी आक्रांता इससे फ़ायदा उठाकर इनका शोषण करते थे। तो इस दृष्टि से मैकियावेली को यह आभास हुआ कि संपूर्ण इटली को एकता के सूत्र में गूंथ देना चाहिए, तो किसी तरह एक शक्तिशाली सरकार स्थापित हो जाए। एक तरफ तो वो देश की अराजकता की स्थिति पर काबू पा सकेगी, दूसरी ओर जो बाहरी आक्रांता हैं जैसे फ्रांस और स्पेन उनसे भी रक्षा और विदेशियों के निष्कासन दोनों के दोहरे कर्तव्यों को वो निभा सके। तो इस दृष्टि से जो राजतंत्र की पुनर्स्थापना का बल उन्होंने अपने चिंतन में दिया वो इन्हीं कारणों से दिया था। तो इटली का जो राजनीतिक एकीकरण है उसको पूरा करने का सपना मैकियावेली ने देखा था और उसको अपने चिंतन में समाहित किया था। एक इटालियन समाज की जो दुर्दशा उस समय थी उससे भी आहत होकर मैकियावेली ने अपना चिंतन प्रस्तुत किया, जिसके कारण वो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक या जो अपने युग का शिशु के रूप में कहलाए। कि जो मैकियावेली वो इटालियन जो समाज था उसमें नीति परायणता, ईमानदारी और देशभक्ति का काफ़ी अभाव रहा, क्योंकि नैतिक दृष्टि से जो प्रतिभा संपन्न जो व्यक्ति है, हालांकि उनकी कमी नहीं थी लेकिन नैतिक दृष्टि से उनका पतन हो चुका था। साधारण से साधारण नागरिक पैसा लेकर अनुचित अनुचित काम करने को तैयार हो जाते थे। तो इस प्रकार की जो सामाजिक दुर्दशा थी उससे मैकियावेली के जो हृदय था उस पर गहरा प्रभाव उसमें पड़ा। देश का एकीकरण करना उनके लिए, या देश का एकीकरण हो ऐसा सपना उन्होंने देखा था, एक वो बड़ी उस समय चुनौती भी थी। तो और समाज की जो दुर्दशा है या समाज का वापस से एक नए युग में वापस से सशक्त होकर उभरना, ये सारे सपने उन्होंने देखे थे। और व्यवहारिक राजनीति को स्थान देते हुए उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि राजा का एकमात्र उद्देश्य देश को सफल बनाना, उसे संगठित करना, शांति स्थापित करना और विदेशी आक्रांताओं से उसकी रक्षा करके एक सुसंगठित समाज की स्थापना करना था, जिसमें कि जो समाज के जो लोग हैं वो नीति प्रणेता और ईमानदारी और देशभक्ति से युक्त हों। तो ये समस्त जो विश्लेषण जिसके ऊपर हमने अभी चर्चा की थी, इन सभी विश्लेषणों और इन सभी जो समस्याएं थी या उस समय की जो परिस्थितियां थी उनका मैकियावेली ने हल देते हुए अपने चिंतन में उन सभी बातों को समाहित किया, जिसके कारण कि वो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कहलाए। और इसी दृष्टि से डनिंग ने उन्हें अपने युग का शिशु कहा था। तो ये मैकियावेली का जीवन परिचय और उनकी जो अध्ययन पद्धति हैं, पुस्तक हैं, और क्यों उनको अपने युग का शिशु कहा जाता है इसके ऊपर हमने चर्चा की। अब अगला जो उनका जो
महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से कि उन्होंने माना कि सबसे पहले यहाँ कार्य होना चाहिए जिसके आधार पर हम एक मजबूत व्यवस्था और एक सामाजिक व्यवस्था को स्थापित कर सके। यानी मानवीय स्वभाव का जो चिंतन है उनका, उसके ऊपर चर्चा उन्होंने की कि उनके द्वारा जो मानवीय समाज पर जो भी अध्ययन किया गया वो उनके राज दर्शन पर स्पष्ट रूप में देखने को मिलता है। मैकियावेली की धारणा यह थी कि जो मनुष्य है वो जन्म से ही बुरा होता है और अपनी जो स्वभावगत दुष्टता के कारण ही वह अधोगति को प्राप्त करता है, क्योंकि जो मानवीय प्रकृति है वो घोर स्वार्थी एवं दुष्ट होती है, जिसमें दुर्बलता, मूर्खता एवं जो दुष्टता है इन सभी का मिश्रण पाया जाता है। मैकियावेली का यह विश्वास था कि जो मनुष्य की जो स्वार्थ भावना है और उसका जो अहंकार है वो उसके सारे क्रियाकलापों के मूल में ही रहता है। उन्होंने अपनी पुस्तक जो प्रिंस है उसमें भी यह चर्चा की है कि सामान्यतः जो मनुष्य है उसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वह कृतघ्न, चलायमान, मिथ्यावादी, डरपोक और स्वार्थ लिप्त होता है। स्वार्थ या लालची इतना होता है कि उन्होंने बड़ा एक वाक्य भी है जो बड़ा प्रसिद्ध है, उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य है वह अपने पिता की मृत्यु का दुख आसानी से भूल जाता है, परंतु उसकी हुई जो धन की हानि उसको वो कभी भी नहीं भूलता है। तो वो कहता है कि जो मनुष्य है उसकी जो कार्य करने की प्रेरणा है वो उत्तेजना मनुष्य को स्वार्थपरता से ही मिलती है, क्योंकि मनुष्य एक पशु के समान है और उसमें जो अंतर्निहित जो अच्छाई है वो नाम मात्र की भी नहीं है। भय, शक्ति, अभिमान और स्वार्थ ही उसकी प्रेरक शक्तियाँ होती हैं। जब कभी मनुष्य को स्वविवेक से कार्य करने की स्वतंत्रता दे दी जाती है तभी ही मैकियावेली कहते हैं कि अव्यवस्था फैल जाती है, क्योंकि व्यवहार में जो मनुष्य है वह धोखेबाज और चित्त से अस्थिर रहता है। तो इस प्रकार से मैकियावेली के अनुसार जो संपत्ति की आकांक्षा मनुष्य को कार्यकारी की शक्तिशाली एक प्रेर है। तो मनुष्य अपनी आशाओं की अपरिमितता के कारण ही अपराध कर बैठता है। तो एक राजनीतिक के भांति मैकियावेली कहता है मानव इस स्वार्थ भावना को ध्यान में रखते हुए राज्य को चाहिए कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के आक्रमण से बचाए। तो इसी संपूर्ण विश्लेषण के आधार पर मैकियावेली ने कहा कि प्रेम और भय वो दो विशेष शक्तियाँ हैं जिसके द्वारा मनुष्य से कुछ भी काम निकलवाया जा सकता है। तो प्रेम, भय, ये दो वो शक्तियाँ हैं जो मनुष्य को वश में करके रखती हैं और इसी के आधार पर वो अपना जो व्यक्तित्व है उसका निर्धारण वो करता है। तो इस प्रकार से जो मैकियावेली ने मानव संबंधी जो विचारों की जो आलोचना विश्लेषण जो दिया है उसके आधार पर यदि हम उसकी समालोचना करते हुए देखते हैं तो जो मैकियावेली द्वारा जो मानवीय दिया गया जो मानवीय स्वभाव का जो चित्रण है वो होब्स के प्राकृतिक अवस्था के मानव स्वभाव से बहुत कुछ मिलता जुलता है। इसी कारण उसे मानव द्रोही तक भी कहा गया है। मानव इतना बुरा, स्वार्थी और निम्न कोटि का नहीं है जैसा कि उन्होंने बतलाया है। उसमें सद्गुणों की भी कमी नहीं है। प्रेम, सहयोग, सदास्यता, त्याग, अनुशासन, ये सारे गुण मानव में पाए जाते हैं। लेकिन मैकियावेली इन सब बातों से सहमत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यदि मैकियावेली के अनुसार बताया गया जो मानव है यदि वो उस प्रकार से है तब तो समाज का सुधार किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता। यदि मनुष्य इतना पापी, द्रोही, अहंकारी है जैसा कि मैकियावेली ने कहा तो राज्य की भी कल्पना कभी भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जो राज्य है वो सहयोगी भावना से ही उत्पन्न हुआ है। लेकिन फिर भी उस समय की तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी या उस समय का जो समाज था या जो इटालियन समाज की जो उस समय की जो दुर्दशा है और उससे उस अधोगति को देखकर ही जो मैकियावेली ने जो पीड़ा व्यक्त की और जो इटली का जो भ्रष्ट समाज है वो इसका सजीव उदाहरण मैकियावेली ने उसी रूप में प्रस्तुत किया है। और मानवीय स्वभाव के जो भी पक्ष मैकियावेली ने बताए हैं उनका इसी आधार पर विश्लेषण किया है जैसा कि उस समय इटली में विद्यमान थे। तो यद्यपि मानवीय स्वभाव में बुरे पक्ष होते हैं लेकिन उसमें कुछ गुण भी होते हैं और उसकी इन परिस्थितियों में इटली में विद्वान जो तत्कालीन जो वातावरण है उसका योगदान अधिक है, जिसके आधार पर मैकियावेली ने जो मानवीय स्वभाव का जो चित्रण किया है कि मनुष्य इस प्रकार से होता है और
यदि मनुष्य ऐसा होता है तो इसी दृष्टि से वहाँ का समाज भी इसी प्रकार से है, और समाज ऐसा है तो वो राज्य भी इसी प्रकार से होता है। तो जब तक यहाँ एकता का सूत्र स्थापित नहीं होगा तब तक बाहरी आक्रांता यहाँ आते रहेंगे और उन पर कब्जा करते रहेंगे। तो सबसे पहले कि मानव स्वभाव जो है उसको मैकियावेली के अनुसार बदलना होगा, उसमें जो देशभक्ति की जो भावना है वो जगानी होगी, और उसकी शुरुआत पहले एक व्यक्ति से, दो व्यक्ति, फिर समाज, समाज से राज्य स्तर पर होगी, तब जाकर जो सपना उन्होंने इटली का जो एकीकरण के आधार पर देखा था वो सही साबित हो सकता है। तो इसकी शुरुआत पहले मानवीय स्वभाव से लेकर हमें करनी होगी, और इसी से लिए जो मैकियावेली है उन्होंने अपना मानवीय स्वभाव पर जो चिंतन है वो प्रस्तुत किया था। तो आज के लिए इतना ही। आगे के जो मैकियावेली के जो भी चिंतन है, जैसे धर्म और नैतिकता संबंधी विचार, राज्य संबंधी विचार, ये सारे विचारों पर हम अगली सेशन में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।